राम राम मित्रों, जय गौ माता। वर्तमान समय में लंपी बीमारी गौ माता में बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है और इस प्रकार हमें अनेक गौ माता कहीं भी रास्ते में, खेतों में गिरी हुई या घायल अवस्था में दिखती हैं। तो हम सीधे सूचना करते हैं हमारे डॉक्टर गौ सेवक मनोज जी पाटीदार सूरजनी को, जिन्हें शिव जी भी कहते हैं, और वो तुरंत अपनी सेवा देने यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मित्रों, गौ माता की लंपी बीमारी का अभी तक कोई स्थायी उपचार मतलब मिला नहीं है। सिर्फ शासन ने कहा था कि हमने एक वैक्सीन निकाली है, लेकिन वैक्सीन आज दिन तक नहीं आई है, जिसके कारण अनेक गौ माता अब तक अपने प्राण त्याग चुकी हैं और निरंतर इस अवस्था में हमें गौ माता मिलती रहती हैं। जितना हम सभी से हो सकता है उतना हम सेवा कार्य कर लेते हैं, लेकिन जहाँ की हमें जानकारी नहीं होती है वो गौ माता तड़प तड़प कर ही मर जाती हैं। इसलिए आप सभी से भी निवेदन है कि जहाँ भी आपको घायल अवस्था में लंपी से पीड़ित गौ माता दिखें, आप ज़रूर आपके नज़दीकी गौशाला या फिर जो गौ चिकित्सक है वहाँ पे या फिर पशु चिकित्सक जो भी आपको मिले उनके नंबर हो तो उन्हें सूचना देकर उसका उपचार ज़रूर करवाएं। यह आप सभी की जिम्मेदारी भी है। सिर्फ गौ माता की जय बोलना, दीपावली पे पूजन करना ही कार्य ठीक नहीं है। इसलिए देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये घायल गौ माता हैं और कितने कीड़े इसके पड़ चुके हैं। अब तक अनेक गौ माताओं का उपचार हम सभी ने मिलकर किया है और निरंतर जहां सूचना मिल जाती है हम करवा रहे हैं, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आप सभी भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करें और सेवा कार्य करें, इससे बड़ा और कोई धर्म व पुण्य कार्य नहीं होगा। तो आशा है आप सभी इस पुनीत कार्य में पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करेंगे और जहां आपको जैसा संभव हो वैसी मदद करेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम। गौ माता की सेवा करना ईश्वरीय कार्य है। आपको जब जैसा जहां समय मिले निश्चित ही आप गौ माता की सेवा ज़रूर करें। घायल अवस्था में लंपी से पीड़ित गौ माता का उपचार करें, करवाएं, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, वो आपको पुण्य ही मिलेगा। तो बंधुओं, जितनी जहां जैसे संभव हो यह सेवा कार्य करते रहें, हम भी इसी कार्य में लगे हैं। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव।